हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि शो दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड हैज़ एन आइसोलेटेड डेसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ओके, ध्यान से सुनना, मेरे को गिवन क्या है। गिवन दैट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है मेरे पास ई की पावर जेड। ओके, पॉइंट मेरा दे रखा है जेड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, इन्फिनिटी। अब ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं कहना चाह रहा हूँ द बिहेवियर ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इज सेम एट एफ ऑफ वन अपॉन जेड जेड इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर एफ जेड का जो बिहेव होगा वो जेड इज इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ वन अपॉन जेड का जो बिहेवियर होगा दोनों सेम होंगे। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड। ओके, क्यों? इन्फिनिटी के ऊपर कोई भी सिंगुलरिटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। अगर आपका इन्फिनिटी वाला केस किसी भी क्वेश्चन के अंदर आता है तो आप उसको जीरो के अंदर कन्वर्ट करोगे। क्लियर है ना? तो दूसरी बात यह है कि यहाँ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर सिंगुलरिटी कैलकुलेट करा रहा है। फंक्शन का बिहेवियर जो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा, एफ ऑफ जेड का बिहेवियर जो जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर होगा, वही सेम बिहेवियर एफ ऑफ वन अपॉन जेड का जेड इज इक्वल टू जीरो पर होगा। क्लियर है ना? सो दैट मैं क्या पुट करूँगा, पुटिंग z इज इक्वल टू वन अपॉन जेड इन एफ जेड एंड पॉइंट इज, अब मेरा पॉइंट क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू जीरो। मैं z की जगह एफ ऑफ जेड वन अपॉन जेड पुट करूँगा तो ये निकला एफ ऑफ वन अपॉन जेड इज इक्वल टू ई की पावर वन अपॉन जेड निकला। पॉइंट क्या बना मेरा भाई, जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है z इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को, जब मैं एफ ऑफ वन अपॉन जेड का एक्सपेंशन खोलूँगा ये निकल करके आएगा भाई, पहला तो निकला वन प्लस के वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड का स्क्वायर इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस वन अपॉन जेड की पावर थ्री इंटू वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल फोर इंटू वन अपॉन जेड की पावर फोर। इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ वन अपॉन जेड इज इक्वल टू वन प्लस के वन अपॉन जेड माइनस के ज़ीरो, क्यों, मेरे पास सिंगुलरिटी निकालनी है जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर, प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू वन अपॉन जेड माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री वन अपॉन जेड माइनस ज़ीरो की पावर थ्री एंड सो ऑन। सो कंक्लूजन क्या निकला भाई, कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि ये जो मेरा फंक्शन है इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स रखता है जेड की नेगेटिव पावर में। ओके, सो दैट दिस इज़ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। पहली बात तो ये, दिस इज़ द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन एट जेड इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड। कहोगे कैसे, सारी बात बता रहा हूँ। देखो आप, मेरे पास लॉरेंट सीरीज जो बनती है वो ये बनती है बेटा, एफ ऑफ जेड जो होता है वो होता है सम्मीशन ए एन जेड माइनस ए की पावर एन ज़ीरो से इन्फिनिटी प्लस के सम्मीशन वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस के एन। ये मेरा प्रिंसिपल पार्ट होता है, ये मेरा रेगुलर पार्ट होता है। अगर प्रिंसिपल पार्ट के अंदर जेड की पावर नेगेटिव आ जाए और इन्फिनिटी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो हमारी सिंगुलरिटी एजेंशियल सिंगुलरिटी होती है, ये मैंने डेफिनेशन बताई थी। अब यहाँ जब आप इसकी कंपेयर इससे करोगे, जरा यहाँ सोचने की कोशिश करो आप भाई, जेड की नेगेटिव पावर है, ये भी जेड की नेगेटिव पावर हो रही है, देखो ना आप। ओके, ऊपर वाले फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ जेड वन अपॉन जेड इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट तो है ही नहीं, इसकी जगह तो सिर्फ वन है, वन प्लस इसको मैंने लिखा जेड माइनस जीरो की पावर
माइनस के वन प्लस एक बटे फैक्टोरियल टू जेड माइनस ज़ीरो की पावर माइनस के टू प्लस एक बटे फैक्टोरियल थ्री जेड माइनस ज़ीरो की पावर माइनस के थ्री एंड सो ऑन एक बटे फैक्टोरियल एन जेड माइनस ज़ीरो की पावर एन माइनस के साथ। क्लियर? सो दैट मैं क्या कहूँगा, सो दैट प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म रख रहा है कि नहीं। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स, सो दैट किस पॉइंट पे है, जीरो पर, जेड इज इक्वल टू जीरो इज, कैसी सिंगुलरिटी है, इज एन एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी, क्लियर? आपको कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना बच्चों, यही मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा था। ओके okay?